চোখ রাখবো পরের খবরের দিকে। কাশ্মীরে বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান লাগু হয়েছে, কংগ্রেস এবং তার সঙ্গীদের সেটা পছন্দ হচ্ছে না। মহারাষ্ট্রে ভোট প্রচারে গিয়ে কাশ্মীর ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সুরে কথা বলবেন না, বিরোধীদের হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती।